हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नेक्स्ट एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारत की जनगणना 2011 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, भारत में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई, यानी भारत में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ हुई सन 1972 में, उस समय लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसके समय में भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई, तो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में नियमित यानी कंटिन्यू जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1881 में हुई। कब? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, उस समय लॉर्ड रिपन का शासन था, उसी समय भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई। नेक्स्ट आज़ाद, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, यानी हमारा भारत देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद में सन 1951 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में, जिसमें अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कितने सवाल पूछे गए थे, तो जब भारत की पहली जनगणना हुई तो 1951 में, उसमें 14 सवाल पूछे गए थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का विभाजन वर्ष कहलाता है, यानी जनसंख्या विभाजन वर्ष, यानी कौन सा ऐसा वर्ष है जिसे जनसंख्या का विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो सन 1921 को जनसंख्या का विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो सन 1951 ईस्वी को जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस अर्थात वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 देश की कौन सी जनगणना है, यानी जो 2011 की जनगणना हुई वो देश की कौन सी जनगणना है, तो यह 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं जनगणना है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी? 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे, यानी जब जनगणना 2011 हुई उसमें टोटल प्रश्न कितने शामिल थे, तो 29 प्रश्न शामिल थे। फ्रेंड्स, देश की कुल जनसंख्या है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जनसंख्या कितनी है भारत की, तो 121.08 करोड़, यानी 121.08 करोड़ है जनसंख्या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि विश्व की जनसंख्या का भारत में है, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो 17.5%, कितनी? 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की जनसंख्या का। अगर फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 62.31 करोड़, यानी 62.31 करोड़ है। यानी अगर टोटल परसेंटेज की बात करें, यानी टोटल पॉपुलेशन का पुरुष की जनसंख्या 51.47% है, कितनी? 51.47% है। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, यानी भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या की अगर बात करें, तो टोटल जनसंख्या महिलाओं की 58.74 करोड़ है, कितनी?
58.74 करोड़। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ लिया जाता है कि टोटल जनसंख्या का भारत में महिलाओं की संख्या कितनी परसेंट है, तो 48.53% है। कितनी? 48.53% है। अगर फ्रेंड्स शिशु जनसंख्या पूछ लिया जाए, शिशु जनसंख्या क्या फ्रेंड्स, शिशु जनसंख्या, अगर शिशु जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी 0, देखिए जनरली शिशु किस आयु वर्ग से किस आयु वर्ग तक होते हैं, तो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु समूह को शिशु जनसंख्या के रूप में शामिल किया जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 16.44 करोड़ जनसंख्या शिशु जनसंख्या है। अगर टोटल परसेंटेज की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 13.6% जनसंख्या शिशु जनसंख्या है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि, यानी अगर क्वेश्चन फ्रेंड पूछ लिया जाए कि 2001 से 2011 के बीच में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो अगर परसेंटेज में पूछा जाता है तो 17.7% टोटल पॉपुलेशन का 2001 से 2011 में 17.7% जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगर संख्या पूछ लिया जाता है तो 18.19 करोड़, मतलब 18.18 करोड़ जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में हुई है। अगर फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व जनरली 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का टोटल लिंगानुपात कितना है, फ्रेंड्स लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात जनरली 1000 फीमेल्स पर मतलब कितने मेल की संख्या है, यानी 1000 फीमेल्स पर मेल की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी अगर बात करें लिंगानुपात, तो प्रेजेंट टाइम में 943 महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी, 943 महिलाएं। यानी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 भारत का लिंगानुपात है। अगर साक्षरता दर की बात करते हैं कि भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार कितनी है, तो 73% है। कितनी? 73% कितनी है, 73% साक्षरता दर है। अगर फ्रेंड्स पुरुष साक्षरता दर पूछा जाता है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर 80.98% है। कितनी? 80.9% पुरुष साक्षरता दर है। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लिया जाए कि महिला साक्षरता दर, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो महिला साक्षरता दर 64.6% है। कितनी है? 64.6%। नेक्स्ट फ्रेंड्स सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए भारत मतलब भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, तो 19.98 करोड़, यानी 19.98 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी उस राज्य का नाम बताइए जहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो सिक्किम, सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां की जनसंख्या 6.10 लाख है, यानी 6.10 लाख जनसंख्या सिक्किम की है जनगणना 2011 के अनुसार। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है, तो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की जनसंख्या 1.67 करोड़ है। कितनी? 1.67 करोड़ है।
अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या 1000 में, यानी 64.47, 64.47 यानी 64.47 जनसंख्या लक्षद्वीप की है, जो कि केंद्र शासित के दृष्टि में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनसंख्या की दृष्टि से चार सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, फ्रेंड्स कभी कभी सेकंड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चार ऐसे राज्यों के नाम बताइए सीक्वेंस से जहाँ की जनसंख्या बढ़ते क्रम में, यानी अगर इस टाइप से क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से चार सबसे बड़े राज्य, तो फर्स्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है, सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है, थर्ड पोजीशन पर बिहार है एवं फोर्थ पोजीशन पर वेस्ट बंगाल है। तो फ्रेंड्स ध्यान सीक्वेंस से ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्रम वाइज से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला जो है थाड़े जिला है। कौन? थाड़े जिला। थाड़े जिला कहाँ है? थाड़े जिला महाराष्ट्र में है और थाड़े जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1.10 करोड़ है, यानी 1.10 करोड़। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, अगर फ्रेंड्स सबसे बड़ा जिला पूछा जा सकता है तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिबाग घाटी है। दिबाग घाटी एक जिले का नाम है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और वहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7940 है। कितनी? 7940। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत का उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार, बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 1106 यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का नाम बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एरिया में रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। दिल्ली कितना है फ्रेंड्स? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और जहाँ पर 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में निवास करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो उत्तर पूर्व जिला जो कि दिल्ली में है, उत्तर पूर्व जिला दिल्ली में, जहाँ पर 37346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं, 37346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तर पूर्व हो गया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी। क्या फ्रेंड्स? दिबांग घाटी। दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में और वहाँ पर एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, भारत का सॉरी भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो केरल। केरल राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कितना लिंगानुपात है, तो 1084 यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं, यानी कितना लिंगानुपात है, 1084।
जो कि भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछ लिया जाए, यानी सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। कितना? 879। सर्वाधिक लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष, सबसे ज़्यादा अगर मतलब बात करें तो न्यूनतम हरियाणा में, सर्वाधिक केरला में। नेक्स्ट, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दमन एवं दीव है। क्या? दमन एवं दीव। दमन एवं दीव यानी 618 महिलाएं। अगर टोटल लिंगानुपात दमन दीव का कितना है? 618 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो माहे है, जो कि पुडुचेरी में है। वहाँ पर 1176 यानी 1176 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? माहे जिला। कहाँ है? माहे जिला, जो कि पुडुचेरी में है, और 1176 लिंगानुपात है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो दमन है। क्या है? दमन, जो कि दमन एवं दीव में है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन एवं दीव में है, जहाँ पर 543 सॉरी 533 यानी 533 लिंगानुपात है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? नहीं फ्रेंड्स, राज्य है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, यानी उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या है। केरला में 2011 की जनगणना के अनुसार केरला में लिटरेसी रेट 94% है, यानी साक्षरता दर 94% है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य का नाम बताइए, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार है। क्या है? बिहार। कितनी? बिहार यानी 61.8% है। कितना? 61.8% यानी बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा है, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहाँ का लिटरेसी रेट सर्वाधिक है। तो लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 92.28% लिटरेसी रेट है, यानी सबसे ज़्यादा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और फ्रेंड्स, लक्षद्वीप 92.28% लिटरेसी रेट है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, तो दादर एवं नागर हवेली। दादर एवं नागर हवेली न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ लिटरेसी मतलब सबसे न्यूनतम लिटरेसी रेट 77.65% है। कितना? 77.65%। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस जिले का नाम बताइए, भारत के उस जिले का नाम बताइए जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या है भारत में, तो उस जिले का नाम है सरचीप जिला। क्या? सरचीप जिला, जो कि मिजोरम में है, और वहाँ की साक्षरता दर 98.76% है। कितनी? 98.76% लिटरेसी रेट सरचीप जिला मिजोरम में है। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, यानी भारत के उस जिले का नाम बताइए जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है, तो अलीराजपुर। कहाँ? अलीराजपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अलीराजपुर ऐसा जिला है भारत का, मध्य प्रदेश, जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे कम है। कितना है? 37.22% है। कितना है? 37.22% यानी 37.22% है। फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त कौन है, यानी वर्तमान समय में भारत के जनगणना आयुक्त का नाम बताइए, तो इस समय शैलेश जी हैं। कौन? शैलेश जी भारत के जनगणना आयुक्त हैं। अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 के प्रथम चरण की अवधि कौन सी है, तो जनगणना 2011 की प्रथम चरण की अवधि जो है 1 अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक, 10 के अंत तक था।
मतलब 1 अप्रैल 2010 से लेकर सितंबर 2010 के अंत तक था। जनगणना 2011 के द्वितीय चरण की अवधि कितनी है? तो जनगणना 2011 के द्वितीय चरण की अवधि के समय पूछा जाता है, तो 9 से 28 फरवरी, यानी 9 से 28 फरवरी 2011 तक था। नेक्स्ट फ्रेंड, जनगणना, नेक्स्ट, भारत में प्रथम बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में फर्स्ट टाइम कास्ट रिलेटेड सेंसस, यानी प्रथम बार जाति आधारित जनगणना, तो सर फर्स्ट टाइम 1931 में हुई थी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य, अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य को सीक्वेंस से लगाइए, तो फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर बिहार, फोर्थ पर पश्चिम बंगाल एवं फिफ्थ नंबर पर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा मेघालय में दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई, कितना, 27.9%। सेकेंड पोजीशन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है जो कि 26% है। ऐसे थर्ड पोजीशन पर बिहार, फोर्थ पोजीशन पर जम्मू कश्मीर, फिफ्थ पोजीशन पर झारखंड है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अगर सेकंड से बताइए कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पर कितना है, बिहार है। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, बिहार, कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर। सेकंड पोजीशन पर पश्चिम बंगाल, कितना, 1028 वर्ग किलोमीटर। थर्ड पोजीशन पर केरला, कितना, 860 वर्ग किलोमीटर। और फोर्थ पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है। क्या फोर्थ पोजीशन पर कौन है, उत्तर प्रदेश, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 573 प्रति वर्ग किलोमीटर, 573 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो फ्रेंड्स, अगर सीक्वेंस से कभी कभी अगर टफ क्वेश्चन पूछता है तो इस सीक्वेंस से भी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट पर बिहार, सेकंड पर पश्चिम बंगाल, थर्ड पर केरला, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर हरियाणा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, अगर क्वेश्चन सेकंड से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य सेकंड से बताइए, यानी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, तो फर्स्ट पोजीशन पर केरला, कितना, 1084 यहाँ का लिंगानुपात है। और सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु है, 996 लिंगानुपात। थर्ड पोजीशन पर आंध्र प्रदेश, 993 लिंगानुपात। फोर्थ पोजीशन पर मणिपुर, 992। और फिफ्थ पोजीशन पर छत्तीसगढ़, 991। यानी फर्स्ट पर केरला, सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, फोर्थ पर मणिपुर, फिफ्थ पर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंस से सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य का सीक्वेंस बनाइए, तो फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, केरला, केरला में 94% लिटरेसी रेट है। सेकंड पोजीशन पर मिजोरम, 91.3%। थर्ड पोजीशन पर त्रिपुरा, 88.7%। फोर्थ पोजीशन पर गोवा, 87.2%। और फिफ्थ पोजीशन पर हिमाचल प्रदेश, 82.8%। फ्रेंड्स, जनरली सिर्फ फर्स्ट एवं सेकंड का आप याद रखिए, यानी सबसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो केरला में है 94%। सेकंड पोजीशन अगर पूछ लिया जाएगा तो मिजोरम, 91.3% है। फ्रेंड्स, लेकिन ये 5 सीक्वेंस जरूर याद रखें, क्योंकि अगर टफ थोड़ा पेपर टफ बनाएगा तो इसमें सीक्वेंस से पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जनगणना, भारत की जनगणना 2011 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे इस वीडियो में डिस्कस किए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।